हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और एक्सेल में क्या खास है आइए दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक ही सेल में लिख दी गई हैं। अब जैसे नाम भी है, क्लास का नाम है और एड्रेस भी दिया गया है, तो हम चाहते हैं कि ये सेपरेट सेपरेट सेल में अपने आप आ जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसे सेलेक्ट कीजिए जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको डेटा टैब में जाना है, ठीक है। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है एक ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम, बस इस पर क्लिक कीजिएगा। और जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको डिलिमिट दिखेगा। ये जो डिलिमिट है, किसके साथ आप डिलिमिट करना चाहते हैं, तो हम तो फिलहाल कॉमा डिलिमिट के तौर पे यूज करना चाहते हैं। देखिए लिखा हुआ कैरेक्टर सच एज कॉमा और टैब सेपरेट ईच, ठीक है। तो यहाँ पर ये करके और फिर यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पे हम कॉमा से इसे डिलिमिट करेंगे, तो ये कॉमा पर टिक कर दिया है और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करके जैसे ही फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे कि सब अलग अलग सेपरेट सेपरेट कॉलम में आ जाएगा। आप देखिए ये जो न्यू कॉलोनी देवरिया है ये भी सेपरेट कॉलम में आया, यहाँ से कॉलम छोटा पड़ गया है जिसके चलते ये दिक्कत हो गई थी, ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से ये सेपरेट सेपरेट सेल में अपने आप आ गया है, ठीक है। इसके लिए एक टेक्स्ट स्प्लिट नाम का फॉर्मूला भी आता है जो ऑफिस 365 में होता है, ठीक है। ये देखिए ये पहले ऐसा दिखता था, अब कैसा दिखता है, अब ऐसा दिखता है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये डिलिमिट कॉमा लगा करके हमने इसे अलग अलग सेल में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।